हेलो एंड वेलकम एवरीबडी टू सी वी टी सिंप्लीफाइड यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का एक डिटेल्ड रिव्यू, जिसमें हम आपको उसके प्रोस कॉन्स और एक कैंपस टूर भी और उसका कट ऑफ क्या होने वाला है बीटेक के लिए उसको दिखाएंगे। 2023 के लिए थोड़े कुछ चेंजेस हुए हैं कट ऑफ में, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा ने जोसा में पार्टिसिपेट किया है इस बार, तो थोड़े बहुत कट ऑफ में चेंजेस भी हैं। और हमने देखा कि हमने कोई डिटेल रिव्यू बनाया भी नहीं है जैसे हमने बाकी यूनिवर्सिटीज़ के लिए बनाया है। तो एक बार सी यू एच का रिव्यू देख लेते हैं, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ है सी यू टी में इस साल बीटेक के लिए। सबसे पहले जल्दी से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस कर लेते हैं, कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं। तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री चाहिए होगा सी यू टी के डोमेन में, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कोई भी लैंग्वेज नहीं चाहिए, कोई भी केमिस्ट्री सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा, आपके पास 45% मार्क्स होने चाहिए पीसीएम में एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब है आपका तीनों को जोड़ के डिवाइड करने के बाद 45% आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स में 42 है, केमिस्ट्री में 46 है, मैथ में 70 है, तो टोटल 45% ज्यादा है, देन यू आर एलिजिबल। और ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए 40% है। दो अदर क्राइटेरिया देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। अगर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं जो आपने कास्ट दी है सीयूटी के फॉर्म में, तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। और आपको सीट अलॉट होने के लिए 32,650 रुपीज़, जो कि रिवाइज्ड फीस है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की इस साल, ये आपको देनी पड़ेगी। और यही आपकी पर सेमेस्टर फीस है हर साल के लिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्या क्या बीटेक प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग अवेलेबल है, बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अवेलेबल है, बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग अवेलेबल है, और बीटेक इन प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। इन चारों ब्रांचेस के बारे में बहुत ही डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा डेटा है डिस्कस करने के लिए। और ये चारों ब्रांचेस ही अवेलेबल हैं बीटेक में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में। आइए देख लेते हैं प्रोस क्या क्या एडवांटेजेस हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के। तो सबसे पहला एडवांटेज है कि, और जो बिगेस्ट एडवांटेज है जिसके कारण यूनिवर्सिटी फेमस है, कि बहुत ज़्यादा पास है दिल्ली और गुड़ग्राम के। और इसका एडवांटेज ये मिलता है कि आपको इंटर्नशिप अगर करनी है तो आप अप डाउन भी कई बार कर सकते हैं, आप गुड़ग्राम में रह के भी इंटर्नशिप कर सकते हैं, यहाँ पेपर देने आ सकते हैं, तो आपको बहुत सारा एडवांटेज होता है, अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा मिलती है इसीलिए। दूसरा एडवांटेज ये है कि इसके हॉस्टल्स काफ़ी नए हैं और बहुत अच्छे हॉस्टल्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बताया भी है, और आप इंटरनेट भी पढ़ेंगे तो आपको यही मिलेगा, बहुत अच्छे हॉस्टल्स हैं विद गुड फैसिलिटीज एंड एमिनिटीज। हालांकि कुछ प्रॉब्लम्स है हॉस्टल में, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कॉन्स में। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है सपोर्टिव टीचर्स हैं और एक्टिव प्लेसमेंट सेल है, और उनका एक प्लेसमेंट सेल कैंपस में और एक गुरुग्राम में इन्होंने बनाया हुआ है, ताकि कोई भी कंपनीज मिस ना हो। हालांकि कंपनीज काफी कम आती हैं, इतनी ज्यादा नहीं आती है, लेकिन बच्चे भी कम है, क्योंकि 60 स्टूडेंट्स हैं कंप्यूटर साइंस में और 60 ही हैं सिविल और इलेक्ट्रिकल में, और 30 बच्चे हैं पीपीटी में। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गुड अमाउंट ऑफ करिकुलर एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती रहती हैं, हर महीने कोई ना कोई कंपटीशन, डिबेट, स्पीच, डांस, कोई ना कोई फेस्ट वगैरह कुछ भी होता रहता है। इसी साल इन्होंने अपना टेक्निकल फेस्ट भी ऑर्गेनाइज़ किया था आद्विक, आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। और इनका जो एनुअल जो फेस्ट है उसका नाम स्पंदन है, दैट इज़ ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड इन जनवरी टू फरवरी के बीच में ऑर्गेनाइज होता है, दैट इज़ ऑल्सो प्रेटी गुड। इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी नया है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक पीसफुल और स्टडी इन्वायरमेंट। जो लास्ट सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गुड फॉर दोज स्टूडेंट जो कि GATE या UPSC जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बताया बहुत सारे अमेनिटीज़ अवेलेबल हैं, बहुत सारे रीडिंग रूम्स हैं, बहुत सारी कैंटीन्स हैं, गुड नंबर ऑफ कैंटीन्स आपको मिल जाएंगी, रीडिंग रूम्स मिल जाएंगे, जिम्स मिल जाएंगे, और केवल हॉस्टल के अंदर ही नहीं, हॉस्टल के बाहर भी बहुत सारी कैंटीन्स हैं। तो उन्होंने दोनों जगह कैंटीन बना के रखी हैं, हॉस्टल के अंदर नाइट कैंटीन चलती हैं जो रात भर खुली रहती हैं, हॉस्टल के बाहर डे कैंटीन चलती हैं जो सुबह 8 बजे से 10 बजे तक खुली रहती हैं। रीडिंग रूम्स आपको हॉस्टल के अंदर भी मिल जाएंगे, हॉस्टल के बाहर भी मिल जाएंगे, और सारे रीडिंग रूम्स एयर कंडीशनड हैं। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जैसा कि हमने बताया कि एक अच्छा स्टडी इन्वायरमेंट अगर आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है तो आप डेफिनेटली चूज़ कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट स्टैट्स जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए जानने हैं, बीटेक प्लेसमेंट स्टैट्स जान लेते हैं। तो सबसे पहले सीएससी का देखते हैं, तो जो 45% ऑफ स्टूडेंट्स ही प्लेस्ड होते हैं, और अराउंड एवरेज पैकेज 5.5 LPA आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाईएस्ट पैकेज जो इस साल गया था 16 LPA, जो कि जिस स्टूडेंट का है उसका इंटरव्यू भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, जो चार टॉप प्लेस्ड स्टूडेंट्स है सी यू एच के उनका इंटरव्यू हमारे चैनल पे अवेलेबल है, यू कैन वॉच दैट, लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दिस स्टैट इज ऑफ कोर्स वेरी ट्रू। जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है उसमें अराउंड 35% स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट होता है, 3.5 LPA लैक पर एनम इनका एवरेज प्लेसमेंट है, और 5.6 इनका हाईएस्ट है। और सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो 15% बच्चों का ही प्लेसमेंट होता है, क्योंकि कोर कंपनीज आती नहीं है सीयूएच में ज़्यादा क्या, एक भी नहीं आती हैं, एक दो ही आ पाती हैं। 2.5 लाख पर एनम इनका एवरेज प्लेसमेंट है, 4 लाख पर एनम इनका हाईएस्ट पैकेज है। पीपीटी प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं, 20% बच्चों का प्लेसमेंट होता है यहाँ पे सिविल से ज़्यादा, इसलिए क्योंकि इनका लॉजिस्टिक्स में डिमांड थोड़ा बहुत रहता है। 1.8 लाख पर एनम इनका एवरेज पैकेज है, 2 लाख हाईएस्ट पैकेज है। तो आप कोशिश करिए इन सब ब्रांचेस को मत लीजिए तो ज़्यादा ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे पैकेज भी ज़्यादा नहीं है और इनका ज़्यादा फ्यूचर में स्कोप वगैरह भी नहीं है। ट्राई टू चूज बिटवीन दीज टू ब्रांचेस, कोशिश करिए सीएससी आपको मिल जाए, दैट इज फार मोर बेटर।
आइए एक शॉर्ट कैंपस टूर भी देख लेते हैं। ये वीडियो हालांकि अवेलेबल है हमारे ही चैनल पे, लेकिन जैसा कि हमारे चैनल का एक रिचुअल है, हम शॉर्ट कैंपस टूर जरूर दिखाते हैं अपने रिव्यू में। तो आप आइए एक बार देख लेते हैं। ये था एक शॉर्ट वीडियो टूर, इसलिए पूरा वीडियो अवेलेबल हमारे ही चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। और दैट इज़ अ लॉन्ग वीडियो, अराउंड 17-18 मिनट्स का पूरा कैंपस टूर दिया हुआ है, तो आप जाके बिल्कुल देखिए इसको। आइए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, आप कॉन्स क्या क्या हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के। जो सबसे बड़ा कॉन है कि कोर्स करिकुलम काफ़ी ओल्ड है, एवरेज मिस फूड है, जो बच्चे काफ़ी ज़्यादा कंप्लेन भी करते रहते हैं, और हॉस्टल रिजर्वेशन बहुत ज़्यादा है। तो हॉस्टल की जो सबसे बड़ी दिक्कत है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में, कि फर्स्ट ईयर में तो सबको हॉस्टल मिल जाएगा ऑलमोस्ट, अनटिल अनलेस आप लोकल नहीं हैं, आप 30 किलोमीटर 50 किलोमीटर के अंदर आते हैं तो आपको हॉस्टल जरूर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप बाहर से हैं, मोर देन 60 किलोमीटर्स अवे हैं, तो आपको डेफिनेटली फर्स्ट ईयर में सबको हॉस्टल मिल जाता है। फ्रॉम सेकेंड ईयर देर इज 25% रोल पॉलिसी, मतलब जो क्लास के टॉप 25% स्टूडेंट्स रहेंगे एक्सेप्ट गर्ल्स, सारी गर्ल्स को हॉस्टल मिल जाएगा, बट इन बॉयज देर इज 25% रूल, जहां पर केवल टॉप के 25% स्टूडेंट्स को ही पूरी क्लास में, जिनके सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स होंगे सेकेंड ईयर से, उन्हीं को केवल हॉस्टल मिलेगा, और बाकी बच्चों को बाहर पीजी में रहना पड़ेगा। बहुत सारे पीजी अवेलेबल हैं बाहर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के, बट यू हैव टू रिमेंबर कि पीजी में रहने का जो चार्जेस हैं दैट इज मोर, दैट इज अराउंड 5,000 to 6,000 पर मंथ, और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के हॉस्टल्स हैं उनका चार्जेस काफी नॉमिनल है, 1,000 रुपए अराउंड आपकी मंथली फीस है हॉस्टल की, और अराउंड 3,500 के अप्रॉक्सीमेटली आपको मिस चार्जेस पड़ेंगे। तो ये एक हॉस्टल रिजर्वेशन है जो कि काफी गलत है, लेकिन दिक्कत यह है कि यहाँ पे हॉस्टल्स काफ़ी कम है, तो इन्होंने ये रिजर्वेशंस लगाए हुए हैं। सेकंड जो कौन है वो है, देर आर वेरी लेस स्पोर्टिंग फैसिलिटीज़, केवल कुछ ही कोर्ट्स अच्छे से अवेलेबल हैं लाइक बैडमिंटन एंड बास्केटबॉल कोर्ट्स, बहुत सारे जो ग्राउंड हैं लाइक क्रिकेट ग्राउंड एंड फुटबॉल ग्राउंड वो अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, उनको अच्छे से बनाया नहीं गया है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्लेसमेंट, जो कोर ब्रांचेस में है बिल्कुल भी नहीं है, ऑलमोस्ट बिलो एवरेज है लाइक सिविल एंड इलेक्ट्रिकल में, केवल सीएससी के स्टूडेंट्स ही प्लेस होते हैं, और इन सीएससी के स्टूडेंट्स में भी 50% प्लेसमेंट जो है वो ऑफ कैंपस होते हैं, बाकी 50% ऑन कैंपस होते हैं, और उनमें भी कंपनीज लाइक TCS, नजारो, ये सब प्लेसमेंट के लिए आती हैं, बायजूस है, टेक महिंद्रा है, ये सब। थर्ड फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही लेस कंपनी जो है विजिट करती हैं, क्योंकि बहुत कम इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, केवल अप्रॉक्सीमेटली 300 स्टूडेंट्स हर साल इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट होते हैं, अबाउट 250 to 300, क्योंकि काफ़ी कम है इन कंपैरिजन टू अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। कोडिंग कल्चर बहुत कम है, उसका रीज़न ये है क्योंकि एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे 60 के अप्रॉक्सीमेटली डिपार्टमेंट्स हैं, और उन सब डिपार्टमेंट में किसी में बायोलॉजी पढ़ाया जा रहा है, किसी में हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाई जा रही है, तो यू कैन एक्सपेक्ट दैट देर इज़ वेरी लेस कोडिंग कल्चर। हालांकि दो कोडिंग क्लब्स हैं, लेकिन दे आर क्वाइट एक्टिव, बट नॉट दैट मच कि आप ये एक्सपेक्ट करें कि बहुत अच्छा कोडिंग कल्चर हो। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वेदर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है इस एरिया का, मीन्स गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, ठंडियों में बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो मॉडरेट स्टेट से आ रहे हैं, उनको ये चीज़ ध्यान रखनी है। बीटेक सीएससी के जल्दी से कट ऑफ देख लेते हैं, एक बार डिस्कस हो चुका है, लेकिन क्योंकि इस बार जो है जोसा में पार्टिसिपेट कर रहा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, की आधी सीट्स अब जोसा में होंगी, तो जो जेई मेन के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रिजर्व कर दिया गया है, जो कि अच्छी बात है इन ऑर्डर टू इम्प्रूव इंजीनियरिंग इन्वायरमेंट। तो अगर आपको एडमिशन मिलता है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जेई के स्टूडेंट्स भी इस साल रहेंगे आपके साथ, तो इसलिए थोड़ा 5-10 नंबर कट ऑफ बढ़ा है। तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए 255, ईडब्ल्यूएस 225, ओबीसी 215, एससी 175, एसटी 160 एंड पीडब्ल्यू 80 मार्क्स आउट ऑफ 400 जो कि मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स है, और ये सेफ जोन है 270, 240, 230, 185, 170 एंड 100 सेफ जोन का, मतलब इतना स्कोर है तो आपका डेफिनेटली यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल का जल्दी से देख लेते हैं, फॉर जनरल कैंडिडेट्स 210, ईडब्ल्यूएस 190, ओबीसी 180, एससी 150, एसटी 130 एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स 75 मार्क्स,
सिविल इंजीनियरिंग की बात करें, जनरल 180, ईडब्ल्यूएस 155, यूबीसी 145, एससी 120, एसटी 110 एंड पीडब्ल्यूडी 55। बीटेक पीपीटी की बात करें, जनरल 145, ईडब्ल्यूएस 130, ओबीसी 115, एससी 100, एसटी 80 एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट 30 मार्क्स आउट ऑफ 400। कोशिश करें कि जो टॉप की टू ब्रांचेस हैं सिविल एंड सीएससी, वही इलेक्ट्रिकल एंड सीएससी वही प्रेफर करें, जो बॉटम टू ब्रांचेस हैं उनको इग्नोर करें, क्योंकि यहाँ पे प्लेसमेंट इन सब ब्रांचेस में ज़्यादा है नहीं। लास्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शुड यू कंसीडर सीयूएच? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट रिमेंबर दैट इट इज़ अ वेरी वेरी गुड बैकअप ऑप्शन। द रीजन इज इट इज़ नॉट इक्वलेंट दो टू आईआईटीज एंड आईटीज एंड ट्रिपल आईटी, उनके बराबर बिल्कुल भी नहीं है, ये बात तो बिल्कुल सोचे ही नहीं, सोचना ही बहुत बड़ा अपराध है। और लेकिन जो एज अ बैकअप ऑप्शन जो स्टूडेंट्स इसको कंसिडर करते हैं, मीन्स अगर उनका जेई में अच्छा रैंक नहीं आया और वो एक अच्छा कॉलेज चाहते हैं गवर्नमेंट, जहाँ से उनको एक सपोर्ट मिल सके और फ्यूचर के लिए दे कैन मेक देयर कैरियर, देन दिस इज़ अ वेरी गुड बैकअप ऑप्शन। सेकेंड, इट हैज़ अ वेरी रिलैक्स करिकुलम। तो जो लोग बहुत ही ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे हैं जिन्होंने पीसीएम जिनका थोड़ा बहुत वीक है या जिनकी कोडिंग वीक है, तो डेफिनेटली यू विल गेट वन ईयर, तो आपको एक साल टाइम मिलेगा, अच्छे से आप प्रिपेयर करिए, देन यू कैन डू योर इंजीनियरिंग गुड। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज यू विल गेट प्लेसमेंट सपोर्ट, लेकिन आपको हार्डवर्क खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि हर सेंट्रल इंस्टीट्यूट की यही कहानी है इंडिया में कि आपको प्लेसमेंट के लिए खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, खुद पे ही सब कुछ डिपेंडेंट है। प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आएंगी, कोशिश करिए ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए अप्लाई करिए, क्योंकि अगर आपका 20 to 25 lakh के जैसे पैकेज को एम कर रहे हैं तो वो कैंपस में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आती ही कंपनी केवल 10 lakh 12 lakh वाली हैं हाईएस्ट। फोर्थ की बात कर लेते हैं, एकेडमिक्स इज नॉट टफ, सो गुड फॉर दोज हु आर वेरी न्यू टू बेसिक प्रिंसिपल, सो आपको एडजस्ट करने के लिए टाइम मिलेगा, ऑलरेडी टोल्ड। लास्ट सेकंड पॉइंट इज इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी गुड, सो यू कैन एक्सपेक्ट ऑल द गुड फैसिलिटीज। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज यू हैव टू गेट गुड मार्क्स टू हैव हॉस्टल फ्रॉम सेकेंड ईयर यहाँ पे होगा, तो आपको अगर सेकेंड ईयर से हॉस्टल चाहिए तो आपको एक अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे फ्रॉम सेकेंड ईयर, तभी आपको हॉस्टल मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी टोल्ड केवल टॉप के 25% बॉयज़ को ही हॉस्टल मिलता है और सारी गर्ल्स को हॉस्टल मिलता है, ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। So that was all from this video. Kindly like, share and subscribe our channel. We'll be bringing other college reviews very soon. And we'll be also bringing counseling updates. Ek counseling update ka part already aa chuka hai. Aap jaake channel pe dekh sakte hain. Kis kis college mein kaisi kaisi counseling hogi. Kaun sa portal aapko kahan jana hai. Kya karna hai. Kaise registration karna hai. So that was all about this video. We wish you all the very best for all your future endeavors. Thanks for watching. Have a nice day. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming.